हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि अभी हम लोग हैं गोड्डा रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जा रहे हैं देवघर के लिए। मतलब आज देवघर में कुछ काम है स्पॉन्सर्ड को लेकर, तो उसी के लिए हम निकले हुए हैं। तो अभी 9:25 में मेरा ट्रेन है और अभी बज रहा है 9:21। हम रेलवे स्टेशन के पीछे से ही आ गए हैं और दौड़ते हुए अपने ट्रेन को पकड़ेंगे। आज हम साथ में लिए हैं अपना एक अमूल का लस्सी, खरीद लिए थे। इसके पीछे रीज़न था कि चेंज नहीं था, ऑनलाइन का सिस्टम था, तो एक्स्ट्रा 20 रुपया देकर कैश भी ले लिए थे और चल रहे थे। तो चलिए अब हम फाइनली ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं और यहां से अब हम लोग हसडिया जाएंगे, फिर हसडिया में इंटरचेंज करके बस ले लेंगे, क्योंकि ट्रेन में हमको ज़्यादा सुविधा लगता है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हसडिया जो 1.5 घंटा में पहुंचाती है बस, रोड ख़राब होने के कारण वो 1 घंटा में ही पहुँच जाएंगे। उसके बाद देवघर पहुंचते ही हम लोग शूट करने के लिए चले जाते हैं लॉरियल आर लॉन्च बीआईपी चौक देवघर के लिए। वहां पर हम लोग इस तरीके का शॉट लेते हैं जिसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि लॉरियल आर लॉन्च का एक ब्रांड है जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो हम लोग उसी साथ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा लेते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। काफ़ी रिलैक्सिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा था फील। उसके साथ साथ कुछ इस तरीके का मसाज भी देखने को मिला हमें, जो कि कराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शूट तो किए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक दो सर्विसेज भी हमें मिल गया जो कि काफ़ी ज्यादा कंफर्टेबल था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा देर बाद एक हाइड्रा फेशियल के लिए एक शूट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने अपना फेशियल करा लिया अपने मुंह में ताकि और थोड़ा ग्लो व्लो आ जाए। तो उसी बीच हम लोग कुछ इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा कंफर्टेबल सर्विस मिल रहा था। उसके बाद शूट करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं टावर चौक साइड, फिर हम लोग जा रहे थे मंदिर मोड़ साइड। वहां पर मैं अब शूट करना था मोमो मैजिक कैफे के लिए, तो उसी के चीज में हम लोग निकल जाते हैं टावर चौक से, सीधा पहुंच जाते हैं मोमो मैजिक कैफे। और वहां पहुंचने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मेनू वगैरह देखते हैं, फिर शूट वूट करते हैं। तो लास्टली हम लोग इस तरह के 2 वैरायटी के मोमोज खाते हैं, अफगानी और तंदूरी। उसके बाद एक मॉकटेल लेते हैं और फिर जो टेस्ट था मोमोज का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और क्रिस्पी भी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खाने में मज़ा आया। इसके ऊपर रील आपको हमारे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल ही जाएगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कितना मस्त एकदम टेस्टी लग रहा है। फिर हम लोग मॉकटेल पीते हैं, मॉकटेल पीने के बाद फिर और कुछ एक दो मोमोज ट्राई करते हैं, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोग देवघर से निकल जाते हैं। और देवघर से निकलने के बाद बारिश वारिश पड़ने लग जाता है, तो उस सब का वीडियो हम नहीं लिए हैं, लेकिन आगे हम आपको बताते हैं क्या हुआ।
सो दोस्तों, जैसा कि आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग देवघर गए, और देवघर जाने के बाद आज मैं ब्लॉग थोड़ा कम शूट कर पाया क्योंकि मैं गया हुआ था स्पॉन्सर और प्रमोशनल शूट के लिए। लॉरियल आयरलॉन्ज देवघर और मोमो मैजिक कैफे, इसका शूट करने में मेरा पूरा दिन निकल गया। उसके बाद निकलने के बाद मेरे फ़ोन में बैटरी कम बची हुई थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने जब वापस मैं वहाँ से गोल डाला था तो उसका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, और वैसे भी अंधेरा हो गया था तो कुछ खास वीडियो ले नहीं पाता। तो वहाँ आने के बाद कुछ ऐसा सीन हुआ बेसिकली, उसके बाद फिर मैं काफ़ी थक गया और फिर मैं सोने के लिए जा ही रहा था, तो फिर मैं सोचा कि आज का जो ब्लॉग है उसको यहाँ पर एंड कर लेते हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा, और हम लोग अभी डेली डेली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट ही कर रहे हैं तो किसी तरीके से शूट कर रहे हैं, और धीरे धीरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके हमें फॉलो करें, और भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।